अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कॉनेंस किचन। कॉनेंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं अंडे। बहुत डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे और बहुत मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे इसमें, वो नोट डाउन कर लें आप। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, चॉप कर लिए उसको। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, उनको भी चॉप कर लिए। हरा धनिया चाहिएगा थोड़ा सा। 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, उसको लंबा लंबा काट लिए। 5 अंडे लिए मैंने। 4 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए, उसको भी मैंने क्यूब्स में छोटा काट लिया। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा और 1 चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और 1 कप ऑयल जाएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, कढ़ाई ले ली है मैंने। उसमें मैंने ऑयल डाल ली है, तकरीबन 1 कप मेरा ऑयल है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो सबसे पहले मैं इसमें आलू डाल दूंगी। सब ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे। आलू हमारे फ्राई होने स्टार्ट हो गए हैं। हमने सबसे पहले ऑयल में आलू इसलिए डाले हैं कि आलू को जरा टाइम लगता है, इसलिए हमने सबसे पहले आलू को डाले हैं। जैसे ही हल्का सा आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम अपने बाकी चीजें ऐड करेंगे। आलू हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इनको फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह ये 5 मिनट में और फ्राई हो जाएंगे और अच्छा से इसके ऊपर लाइट सा कलर भी आ जाएगा। ये देखें, आलू हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं, हल्का सा इसके ऊपर और कलर आ जाएगा। तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह इस पे कलर आ गया। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। साथ ही इसमें मैं हरी मिर्ची भी ऐड कर दूंगी, अदरक भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप चाहें तो प्याज या आलू की मिकदार कम या ज्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे ही हमारा प्याज भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम टमाटर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लें। और प्याज को हम तकरीबन 7 मिनट तक सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। आपके घर कोई दावत हो, किसी घर में आपने कोई पार्टी रखी हो, दावत रखी हो, बहुत डिफरेंट है और यूनिक सी डिश है, जरूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें, जितनी देर तक हमारे टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाए। इसको मैंने कवर कर दिया 5 मिनट के लिए, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो 5 मिनट के बाद इसको ओपन करेंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितने अच्छे हो गए हैं। अब ये हो गया, हरा धनिया मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर एक एक करके अंडा डाल दी जाऊंगी इसी तरह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
इसी तरह मैं इसके ऊपर सारे अंडे डाल लूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप चाहें तो कम या ज्यादा अंडे भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं इसमें एक और अंडा डालूंगी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसके लुक देखें, कितना हसीन लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब अंडे डाल दिए मैंने, इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छे से जो है अंडे कुक हो जाए। यहाँ पे एक काम हम और करेंगे, अंडों के ऊपर थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे ताकि अंडे हमारे जो हैं वो फीके ना लगे। थोड़ी सी काली मिर्च, ये देखें। अगर आप ना चाहें डालना तो ना भी डालें, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने डाल दी है सबके ऊपर। अगेन मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जी टाइम 5 मिनट हो गए और माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, कितनी हसीन लग रही है, कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखें। जरूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कुनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अब आपने इसको सर्व करना हो तो आप इसको इसी तरीके के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी और इसको इस तरीके से निकालूंगी मैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें। जब भी करें इसी तरीके से सर्व कीजिएगा इसको। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है, मैंने इस तरीके से इसको सर्व किया है। जरूर बनाइएगा, आप इसकी ओवरऑल लुक देखें। अब ये देखें, आप इसकी ओवरऑल लुक देखें, कितना अच्छा लग रहा है। जरूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कुनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।